Excuse me, can I see your passport? Thank you, ma'am. Happy journey, miss. Yes, sir. He's here. Ah, sir, I'll send him. Mr. Ajay? Yes? Sir, you can go for the interview. Oh, thank you. एक्सक्यूज मी मैडम. यस प्लीज. इस जिम में इंस्पेक्टर के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या? अरे सर, इंस्पेक्टर नहीं, इंस्ट्रक्टर. अच्छा, मेरे लिए कोई काम वाम मिलेगा क्या मैडम, बताइए? मिलेगा ना सर. पगार कितना होगा? 7,000. दिन में सिर्फ दो बार ही काम होता है. दो बार? तो फिर ठीक है, काम के लिए तैयार हूँ. वैसे काम क्या है? सुबह 5 बजे और शाम को 4 बजे जो है झाड़ू और पोछा मार कर टॉयलेट भी साफ करना है. इसको मैं साफ सफाई करने वाला दिखता हूँ क्या? भाई हाँ, चल. क्या हुआ यार? ग्राउंड में उतरने के बाद कब अपना हो जाता है. महीने की 30,000 सैलरी है और संडे को छुट्टी भी है. अच्छा है, मतलब मैं खाली बैठा रहूंगा. तू इतना टेंशन क्यों ले रहा यार? एक काम करता हूँ, तुझे असिस्टेंट की जॉब दिलवाता हूँ. महीने की 5,000 पगार है, चलेगा क्या? तेरे भी तो 30,000 अपने ही है. मेरी शादी है क्या? अच्छा यार, स्काई बार चले क्या? कौन से स्काई की बात? कोई बात नहीं, हम मामूली दुकान पर जाकर 2 बियर और 4 पैकेट चिप्स के ले लेते हैं. चल. हाँ चल, बार में बैठना मेरे नसीब में नहीं है. की बात चालू. Good morning, friends. Very good morning, sir. Welcome to the annual general meeting of Shrikant Group of Companies. Today is a very happy day for me for 2 reasons. Reason 1. पिछले साल के turnover से इस साल हमारी कंपनी का net profit 400 crores हुआ है. Wow, fantastic. Reason number 2. We have received a very huge order from a Singapore-based company worth 2,500 crores. But इस डील में एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है. इस प्रोजेक्ट को हमें 3 महीने में खत्म करना होगा, वरना 20% पेनाल्टी लग जाएगी. सो फ्रेंड्स, आर वी रेडी फॉर द बैटल? यस सर. दैट्स अ स्प्रिट. इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे. ओके सर. ग्रेट, सी यू एट द फार्म हाउस टुडे इवनिंग. हेलो. हाय डार्लिंग, क्या कर रही हो? क्या बात है साहब, बहुत खुश लग रहे हैं. गुड न्यूज फॉर अस. वाओ, हम फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं क्या? दैट्स ऑलवेज देयर. तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल ब्यूटीफुली होता है. ओह, मेरे साथ रहना इतना पसंद है आपको? तुम्हारी आवाज भी सुनता हूँ ना तो जुबान पर शेर आने लगते हैं. बस बस, आप ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं. वैसे गुड न्यूज क्या है ये तो बताइए. इनफैक्ट 2 good news. One is we have made profit of 400 crores. Wow, that's really a good news. अब दूसरी good news. हमें सिंगापुर based company से एक बहुत बड़ा order मिला है. You know how much? 2,500 crores. What? यानि 2,500 करोड़? Yes, darling. तो फिर आज हम सबको पार्टी देंगे. Sure, sure. But tonight I am going with my colleagues. तो हम लोग पार्टी कल मनाएंगे. Okay, no problem. लेकिन drinks थोड़ी कम. ओके ओके, फाइन, सी यू सून. या बाय. माँ जी, स्वीट लीजिए. रोशनी, तुम भी लो. स्मिता, आज बहुत खुश लग रही हो, मिठाई भी खिला रही हो. कोई गुड न्यूज है क्या? हाँ माँ जी, गुड न्यूज है. गेस कीजिए. एक और पीस दे, बताती हूँ. हमारे घर में लक्ष्मी आने वाली है. हाँ जी, उसके लिए अभी टाइम है. गुड न्यूज ये है कि आपके बेटे ने 400 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन किया है. वाह वाह, इट्स अमेजिंग. ठीक है माँ जी, इसी खुशी में ज्यादा मिठाइयाँ मत खाइए. मैं जरा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करवाती हूँ, ठीक है ना? हाँ स्मिता. हाँ माँ जी, जरा जल्दी आना. हाँ, सब मिल के साथ खाना खाए. ठीक है माँ जी. सच में बहुत अच्छी बहू मिली है मुझे. हाँ हाँ, ठीक है. हम सबका कितना अच्छे से ख्याल रखती है, कितनी भाग्यवान हूँ मैं. और अब देखो तो 400 करोड़ रुपए,
घर में दो पैर रखे तो 400 करोड़, अगर चार पैर रखेगी तो 800 करोड़। बाप रे, उनके चार पैर होते तो वो जानवर कहलाती, बहू नहीं। बेचारी, वो तो तुझे ना सगी बेटी की तरह समझती है और तू बड़ियाई महारानी, उसे अपनी माँ मानना ही नहीं चाहती। वो टाइम भी जरूर आएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। हाय अजय। हाय सो। आपने एक असिस्टेंट लाने को कहा था, मैं अपना एक लड़का लाऊं क्या? यस, कॉल हिम। सुंदर। यार बहुत मस्त है ये। अब उससे ज्यादा घूर मत, इधर देख। सर यही वो सुंदर। नमस्ते सर। आप अजय के असिस्टेंट बनकर काम शुरू की? जी सर। शुरू में आपको 5,000 सैलरी देंगे। ठीक है सर। आगे आपने काम अच्छा किया तो सैलरी बढ़ा देंगे। चलेगा सर। थैंक यू सर। अजय, फिलहाल हमारे जिम में 40 मेंबर हैं। अरे आप इतना कष्ट क्यों उठा रही हैं? लाइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ऑल आर फ्रॉम हाई क्लास फैमिली, बहुत ही रिच और हाई प्रोफाइल लोग हैं। यस सर। वी नीड टू गिव देम बेस्ट ट्रेनिंग। वी डोंट बिलीव इन नंबर्स, वी बिलीव ओनली क्वालिटी। श्योर सर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बाय मैन। नमस्ते सर। फर्स्ट टाइम मुझे जिंदगी में अफसरों के साथ रहने का मौका मिला है। ए अजय, आखिर यार तुझे अच्छी नौकरी मिली गई। अब धूमधाम से शादी कर ले, अरे लाइफ सेटल हो जाएगी। ऐ, 30,000 की सैलरी में शहर में कोई सेटल हो पाता है क्या? ए, गधा, मजदूरी का काम करने वाले यहाँ आराम से सेट हो गए, तुझे क्या प्रॉब्लम है फिर? मुझे वैसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं जी जान से मेहनत करूंगा, एक लेवल पे आने के बाद ही शादी करूंगा, यही मेरी प्लानिंग है। तुझे जो भी करना है कर यार, मैं तो उंगली जल गई यार। क्या हुआ इसे? सब सब प्लीज हेल्प कीजिए सर। ऑटो। रोशनी, देखिए आप फिक्र मत करिए, आपकी फ्रेंड को कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर, आप हेल्प नहीं करते तो रोशनी को That's okay. उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ये सोचिए। She will be all right, but आप हमारे जिम में आती है ना? हाँ, हम वहीं जाते हैं। Actually, कल ही मैं वहाँ ज्वाइन हुआ हूँ ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। रोशनी के साथ आप ही है ना? हाँ हाँ सिस्टर, अब वो कैसी है? उसके सर पर चोट लगने की वजह से बहुत सारा खून बह गया है, जल्दी से ओ नेगेटिव ब्लड अरेंज कीजिए। ब्लड? सिस्टर एक्चुअली मेरा ओ नेगेटिव है, मैं उन्हें दे सकता हूँ क्या? आप देंगे क्या? ठीक है, मेरे साथ आइए। ओके। वाणी जी, आपकी फ्रेंड बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। ओके ओके। एंड उसे जल्दी डिस्चार्ज मिल जाएगा, आप उसे घर ले जाइएगा, मैं चलता हूँ। ओके। रोशनी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फाइन। एक्चुअली तेरा नसीब बहुत अच्छा था, अगर अजय टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता, सोचते ही डर लगता है मुझे। अजय, ये कौन है? वो कल ही एज ए इंस्ट्रक्टर हमारे जिम में ज्वाइन हुआ है। ही इज सो नाइस, पता है? एक्चुअली यू लकी कि वो टाइम पर पहुंच गया और तुरंत तुझे हॉस्पिटल ले आया और तुझे ब्लड भी दिया, पता है तुझे? ब्लड दिया? डॉक्टर ने इमीडिएटली तुझे ब्लड देने के लिए कहा था और वो झट से ब्लड देने के लिए तैयार हो गया। एंड यू नो वन थिंग, तेरा और उसका ब्लड ग्रुप भी एक ही है। हाँ ठीक है,
अच्छा ये बताओ, ये सब घर वालों को पता है क्या? आंटी का कॉल आया तो था पर मैंने रिसीव नहीं किया, तू ही कॉल करके बता दे। नहीं, अब घर जा ही रहे हैं ना, जाकर बताते हैं। क्या घर? फिलहाल नहीं जा सकते, डॉक्टर ने शाम तक डिस्चार्ज करने के लिए कहा है। अरे शाम तक? सिस्टर मेरे पापा को पता चला तो परेशान हो जाएंगे, आई एम फाइन, प्लीज जल्दी डिस्चार्ज कर दीजिए ना। आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं इसीलिए मैं डॉक्टर से बात करके डिस्चार्ज करवाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू मुझे नहीं, उसे कहिए जिन्होंने आपको ब्लड दिया है, वही थैंक यू के हकदार हैं। अच्छा वो आपके क्या लगते हैं? वो वो हमारा फ्रेंड है। रोशनी क्या हुआ तुझे, ये बैंडेज? परेशान मत होइए, रास्ते में मेरा पैर स्लिप हो गया था, छोटी सी चोट लग गई। अरे इतनी बैंडेज लगाई है और कह रही छोटी चोट है, तेरे डैडी को पता चलेगा तो कितने परेशान होंगे। नहीं नहीं डैडी को कुछ भी मत बताइए, उन्हें पता चला तो सारा काम छोड़कर यहाँ आ जाएंगे वो। लेट हिम फिनिश हिज वॉक, घर आ जाएंगे तो मैं खुद बता दूंगी। ओके ठीक है, चल चल कर खाना खा ले अब। मुझे मन नहीं है, मुझे भूख नहीं है, बस रेस्ट करना है। ठीक है रोशनी मैं चलती हूँ, तू रेस्ट कर। थैंक यू। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, बाय। हाय स्मिता, खाना हो गया? हाँ। रोशनी ने खाया क्या? हाँ वो आराम कर रही है। मीटिंग अगर जल्दी खत्म होती तो हम साथ में ही खाते। सुनिए रोशनी के सिर पर थोड़ी चोट लगी है। क्या? आप टेंशन मत लीजिए, इसीलिए कह रही थी कि आपको इस बारे में ना बताए, वो फिलहाल ठीक है। रोश सुनिए, शी इज फाइन, मत उठाइए उसे। Nothing to worry. बस छोटी सी चोट है। उसे थोड़ी सी चोट लगती है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, और ऐसे में I'm sorry. I know how much you love her. तुम्हें पता है स्मिता, रोशनी छोटी थी तब से उसे माँ का प्यार कभी नहीं मिला। उसे माँ की कमी महसूस ना हो इसलिए मैंने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला। वो क्रेडिट आपको ही जाता है। एक समय मेरे साथ सिर्फ गरीबी और अकेलापन ही था। उसके पैदा होने के समय मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और आज वो आसमान छू रहा है। गरीबी भी दूर करने के लिए भगवान ने पैसा दिया, अकेलापन दूर करने के लिए उसने तुम्हें भेज दिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे, वेरी हैप्पी। आपकी खुशी में ही तो हम सबकी खुशी है ना, मेरी खुश नसीबी कि मैं इस घर की बहू बनी हूं। तुमसे शादी करने के बाद रोशनी मुझसे नाराज ना हो जाए सोचकर थोड़ा सा डर था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। तुमने रोशनी में अपना पन दिखाया, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। हेलो रोशनी। हाय वानी, कल जिन्होंने हमारी हेल्प की थी ना उन्हें तो ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाई मैं, तो बहुत अजीब महसूस हो रहा है, उनसे मिलकर थैंक्स कहना चाहती हूँ। ठीक है पर मिलेंगे कहाँ? तो
तू ही बताना। जिम में मिलना ठीक नहीं होगा। ठीक है, उसका नंबर दे देती हूँ, तू बात कर ले। ठीक है यार, थैंक यू, अब लव यू, बाय। बैक स्ट्रेट करिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ मैम, ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे स्ट्रेट। हाँ हाँ, यस, स्मूथली, वेरी गुड। एक मिनट मैम। अजय, या कल इवनिंग में फ्री हो क्या? या क्या बात है, बताइए। कल सलमान की फिल्म रिलीज हो रही है ना, चलें क्या? एक्चुअली मैम, मुझे सलमान की फिल्में पसंद नहीं है, और सुंदर की बहन को देखने के लिए लड़के वाले भी आ रहे हैं, सो आई डोंट थिंक सो आई कैन मेक इट, सॉरी। हैव अ ग्रेट डे। आजय, मेरी एक बहन भी है, ये मुझे भी नहीं पता यार। यार बहुत सर खाती है, इसीलिए उसे अवॉइड करने के लिए ऐसा कहा। बहुत सही क्या यार। सर, हम अनाथ आश्रम से आए हैं, हमारी मदद कीजिए सर। बेटा, वो आश्रम नहीं है, वो एक बहुत बड़ा स्कूल है। स्कूल है? अच्छा, स्कूल में हम क्या पढ़ते हैं? पाठ। है ना बेटा, उसी तरह आश्रम में जीवन का पाठ हम पढ़ते हैं। तो चलो बताओ बेटा, कहाँ से आए हो तुम लोग? स्कूल से। करेक्ट। अच्छा, आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते होंगे? सर, हमारे स्कूल में कुल 50 लोग हैं सर। कभी कभी हमें चंदे के पैसे कम पड़ जाते हैं, तब हम पानी पीकर सो जाते हैं। अगर तू पगार के सारे पैसे ऐसे ही लुटा देगा तो अपना कैसे चलेगा? बहुत मुश्किल होगा, अभी पगार आने में 15 दिन बचे हैं, पता है? हे, उनकी परेशानी के आगे हमारी परेशानी कुछ भी नहीं है। हाँ, वो है ना। हाँ भाई, भगवान ऊपर से बरसाता रहेगा और तुम उठाते रहना। अरे तू अब तक सोई है? राजकुमारी जी की नींद सुख चैन सब उड़ गया है क्या? कौन सा राजकुमार ऐसे सता रहा है तुझे? तो सही कह रही है। हाँ, वैसे तुझे मेरी प्रॉब्लम हमेशा पता चल जाती है। वाओ, मतलब रोशनी को प्यार हो गया है? कौन है वो? अजय है ना? नहीं कहूंगी तो मानोगी क्या? मैं समझ गई, उस दिन उसने तुझे ब्लड दिया था और तूने उसे हार दे दिया। अच्छा, वैसे ये बात अजय को पता है? अगर तेरी डैडी को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम दोनों का स्टेटस बहुत अलग है। स्टेटस वगैरह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मुझे खून देते समय अजय ने मेरा स्टेटस देखा क्या? नहीं देखा ना? पता है मुझे, ये सब तूने सोच समझ कर ही डिसाइड किया होगा, लेकिन तूने अजय को अब तक बताया क्यों नहीं? क्या बताऊं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये भी मैं ही बताऊं क्या? जाकर प्रपोज कर उसे। आज ही क्या? हाँ अभी जा। रोशनी, विल यू बी माई लव?
अजय। या? ये लॉकेट मेरी माँ का है, इसमें मेरी जान बसती है। इसे मैं अपने प्यार की निशानी समझकर तुम्हें दे रही हूँ। रोशनी, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारी जान और तुम्हारी मां की जान का मैं ख्याल रखूंगा। रोशनी। हाँ? आज इतनी देर क्यों हुई? सॉरी डैड, वानी के घर गई थी इसीलिए देर हो गई। अच्छा चलो खाना खाते हैं, सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। अरे नहीं माँ, उसने मुझे फोर्स किया तो मैंने उसी के साथ खा लिया। अरे थोड़ा सा तो खा लो ना। माँ प्लीज। नहीं माँ, आई एम रियली टायर्ड, मुझे रेस्ट करना है। बाय डैड, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट दादी। श्रीकांत बेटा, जवान लड़की है, कहाँ जाती है, क्या करती है, कभी तो पूछा कर। मोहन। यस सर। रोशनी के बारे में कुछ बताने वाले थे ना? हाँ सर। नए प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और एक महीना है। मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। रोशनी, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। व्हाट्स दैट डैड? हार्वर्ड में तुम्हारा एमबीबीएस का कंफर्म हो गया है, नेक्स्ट मंथ ही एडमिशन है। डैड मैंने पहले ही कहा था ना, मुझे वहां जाना पसंद नहीं है। क्यों रोशनी, तुम्हें हार्वर्ड जाना पसंद नहीं है या अजय को छोड़ना पसंद नहीं है? अपनी जान से कीमती लॉकेट तुमने उसे दे दिया, मतलब कितना दिमाग खराब किया उसने तुम्हारा। डैड शट अप। यू नो व्हाट रोशनी, तुम्हें जिम ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 दिन हुए, एवरेज पर डे 1 आवर ले लो तो 30 आवर्स। 30 आवर्स में तुमने उस लोफर को अपना दिल दे दिया, मतलब डू यू नो हाउ वीक यू आर? डैड इट्स नॉट लाइक दैट। रोशनी डोंट डिफेंड योरसेल्फ, तुम क्या कहना चाहती हो मुझे अच्छे से पता है। जस्ट मैडली इन लव विद हिम बट इज नॉट फिट फॉर यू रोशनी। लेकिन फिट है या अनफिट ये उसे डिसाइड करना चाहिए, उसने प्यार किया है तो he must be good. अच्छा? How do you say that? After all, वो एक जिम इंस्ट्रक्टर है, पर मंथ 30,000 ही कमाता है। अपने ड्राइवर की सैलरी कितनी है? तुम जानती हो? 50,000। काहे का कुट? सुनिए जी, सिर्फ सैलरी से एक इंसान के गुण परखे जा सकते हैं क्या? सुमिता, पागलों की तरह बात मत करो। He's a low level employee. जा जाकर उससे ही। Don't be stupid, रोशनी। श्रीकांत बेटा, हो सकता है लड़का अच्छा हो, एक बार घर बुलाकर देख ले। माँ, उसका बैकग्राउंड क्या है हमें कुछ भी नहीं पता, हमारा स्टेटस जानते हुए भी तुम ऐसी बात कर रही हो? यही सारी चीजें जानने के लिए तो माँ जी उसे घर बुलाने कह रही हैं। डैड, really he is a very nice guy. Dad, Dad, please understand me, Dad. Sumita, वो इंस्ट्रक्टर, जिम इंस्ट्रक्टर को, उस लड़के को घर बुलाओ। वाओ, अचानक से ये डिसाइड कर लिया आपने? सुबह हम इतना कह रहे थे पर आप माने ही नहीं। आप कह रहा हूँ ना, उसे बुलाओ, मैं बात करूंगा। ओके। Okay.
तेरी खुशहाल जिंदगी के लिए तेरी माँ दिन रात पूजा करती रहती है। कल रात से उसने उपवास भी रखा है, तो बिल्कुल टेंशन मत ले बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। अरे इसमें रोने की क्या बात है, जल्दी जाकर रेडी हो जाओ, अजय आता ही होगा। जा। बाद में अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ओके सर। डैड। अजय। हाय अजय, बैठो बैठो बैठो। हाय श्रीकांत, एमडी श्रीकांत ग्रुप। हाय सर, अजय, अजय भरद्वाज। नाइस मीटिंग यू। प्लेजर इज माइन। लेट मी इंट्रोड्यूस, दैट्स माय मॉम। नमस्ते। एडवोकेट जगदीश। हेलो। माय पीए मोहन। नमस्ते सर। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, कम प्लीज। आओ मोहन। सो अजय, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? सर एक्चुअली आई एम अ जिम इंस्ट्रक्टर। जिम इंस्ट्रक्टर, इंटरेस्टिंग। प्लीज डोंट माइंड मी आस्किंग, हाउ मच डू यू मेक इन अ मंथ? सर 30,000। 30,000, नाइस नाइस। परसों हमने कैंपस सिलेक्शन किया था ना? यस यस। उसका ऑफर लेटर रिलीज करना था। सैलरी क्या फिक्स की? 6 लाख पर एनम किया है सर। 6 लाख पर एनम, मतलब 50,000 पर मंथ। यस यस। ओके ओके, आप इंश्योर कीजिए। ओके सर। सॉरी अजय, यू वर सेइंग समथिंग। 30,000 पर मंथ। समझ गया सर, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बताइए। आई थिंक इट विल बी इजी बोथ ऑफ अस। आई लाइक इट। हम डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। मेरे हिसाब से एक इंसान की वैल्यू वो कितना कमाता है उस पर डिपेंड करता है। आई एम अ पक्का बिजनेसमैन, फॉर मी मनी इज एवरीथिंग। क्योंकि मेरी राजकुमारी से शादी करने वाले राजकुमार में पैसे कमाने का टैलेंट है या नहीं, ये मुझे पता चलना चाहिए। मैं समझा नहीं सर। वेरी सिंपल, अपने बीच में एक स्मॉल चैलेंज रखते हैं। अगर तुम चैलेंज जीत जाओगे तो मैं तुम दोनों की शादी ग्रैंड लेवल पे कराऊंगा, और अगर हार गए तो तुम रोशनी से कभी नहीं मिलोगे। सर मुझे आपका हर चैलेंज मंजूर है, वो चैलेंज जीत कर मैं अपना प्यार भी जीतूंगा। वाओ, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस अजय। द चैलेंज इज वेरी सिंपल अजय, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तुम्हें उसे 1 महीने में डबल करना होगा। बट आई हैव 2 conditions। तुम मेरा नाम या रोशनी का नाम कहीं भी यूज नहीं करोगे, और दूसरा इलीगल एक्टिविटीज नहीं करोगे। अगर तुम में जीतने की ताकत है तो एक्सेप्ट माय चैलेंज, अदरवाइज जस्ट फॉरगेट हर। ये क्या कह रहा है? सर मेरा प्यार सच्चा है और उसके लिए मैं ये करूंगा। एक्सीलेंट, लेट्स पुट इट ऑन पेपर्स। जगदीश। ओके सर। थैंक यू एंड सी यू सून। हाय श्री, कैसे हो? आई एम फाइन मूर्ति, और तुम बताओ? अपना तो वही हाल है, एक ड्रग माफिया के बारे में एनालिसिस कर रहा था। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मुझे थोड़ी तुमसे बात करनी। इज देयर एनी अर्जेंसी? हाँ मूर्ति। अच्छा, एक्चुअली मैं भी तुम्हारे घर आने की सोच रहा था। फ्राइडे को घर पे मिलोगे क्या? फ्राइडे को ठीक है, तुम आ जाओ फिर बात करते हैं। तो फिर मिलते हैं। अजय। वो डैडी के पास जाकर ये चैलेंज को रहने दीजिए कहो ना,
और वो हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर ले, ऐसा उनसे रिक्वेस्ट करके कन्विंस करे? नहीं रोशनी, अगर मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो जिंदगी भर उनसे सर उठा के बात नहीं कर पाऊंगा। सच कह रहा हूँ मैं, इसलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। ए अजय, एक महीना हम नोट छापेंगे ना तभी 1 करोड़ रुपया जमा नहीं कर पाएंगे। हौसले अगर बुलंद हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, समझ रहे ना? अच्छी तरह समझता हूँ, बहुत अच्छे से, पर हमारे पास टाइम कहाँ है? ऐसे पलक झपकते ही 1 महीना बीत जाएंगे, पता है? बाद में उनके पैरों पे गिरने से भी कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, आगे क्या होगा मालूम नहीं। रोशनी, क्यों अपसेट हो, क्या हुआ? डर लग रहा है माँ। डर लग रहा है, क्यों? अब अच्छा अंदर तो आओ। अब बोलो क्या हुआ है। अगर अजय इस चैलेंज में हार गया तो डैडी हमारा प्यार एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं क्या करूं माँ? रोशनी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ देखो, अगर अजय चैलेंज हार भी गया ना, तो मैं अपने भाई की मदद से कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है ना? अपने जान से प्यारे लॉकेट को उसे दे दिया, मतलब कितना दिमाग खराब किया उसने तुम्हारा? शट अप! रोशनी, इस वक्त तुम कॉल कर रही हो? Everything is okay. I'm fine, Ajay. Just wanted to talk to you. मैं तो डर ही गया था। देखो तुम ज़्यादा सोचो मत। Everything is going to be fine. Hey, better turn on. Ajay, हम ये चैलेंज जीतेंगे ना? 100%. वैसे भी 3 दिन गुजर चुके हैं, अब सिर्फ 27 दिन ही बचे हैं। Don't worry. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चैलेंज जीत के रहूंगा, ओके? अजय, I miss you. कल मिलोगे क्या? Fine, मिलते हैं, ओके? हम जहाँ मिलते हैं वहीं पर हाँ, sharp 11 o'clock. Sure, no problem. Bye. अजय? हाँ? I love you. I love you too. अब सो जाओ, गुड नाइट, बाय। उसका बैकग्राउंड क्या है हमें कुछ भी नहीं पता, हमारा स्टेटस जानते हुए भी आप उसके बारे में बात कर रही? बट ही इज नॉट फिट फॉर यू रोशनी। आफ्टर ऑल वो एक जिम इंस्ट्रक्टर है, पर मंथ 30,000 ही कमाता है। मेरे मुताबिक एक इंसान की वैल्यू वो कितना कमाता है उस पर डिपेंड करती है। मेरी राजकुमारी से शादी करने वाले राजकुमार में पैसे कमाने का टैलेंट है या नहीं, ये मुझे पता चलना चाहिए। हेलो, या कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर, अब रोशनी की कंडीशन कैसी है सर? डॉक्टर प्लीज बताइए ना। देखिए, एक्सीडेंट में उन्हें बहुत गहरी चोट लगी है। बट उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? आई एम सॉरी मिस्टर, उन्हें मल्टीपले इंजरीज के कारण सी इज नो मोर। सुनो। यस डॉक्टर। पोस्टमार्टम प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद बॉडी इन्हें हैंडओवर कर देगा। ओके डॉक्टर। ओके, आई एम सॉरी। Thank you.
अजय तुम यहाँ मत रुको, अपने घर चले जाओ। रोशनी के डैडी आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज अजय समझने की कोशिश करो, जाओ। हेलो हेलो वल्लभ अंकल, मैं वाणी बोल रही हूँ अंकल। दरअसल बात यह है कि हस्बैंड। देखिए, वी ट्राइड आवर बेस्ट, इट वाज अ मैसिव हार्ट अटैक। आई एम सो सॉरी। आप अंदर जा सकती हैं डॉक्टर, अब फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। ओके सर। मैडम मैडम, एक बार सर की बॉडी को आप मैडम प्लीज मैडम संभालिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग रमन्ना, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। रमन्ना। यस सर। इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत जी का नाम तो सुना ही होगा। यस सर, न्यूज में देखा था, श्रीकांत ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन थे। यस, एक्चुअली किसी से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक 3-4 दिन पहले उनकी बेटी के लव मैटर को लेकर एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई थी। ओके। अनफॉर्चुनेटली कल ही उनकी बेटी भी एक्सीडेंट में मारी गई। एक ही दिन में बाप बेटी का मरना, मतलब समथिंग फिशी नहीं लग रहा है तुम्हें? आई थिंक सो सर। और एक बात पता है तुम्हें, उस शॉक की वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन है। इज इट? सिंस इट इज अ हाई प्रोफाइल केस, आई वांट टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम ऑल द एंगल्स। ओके सर। और एक जरूरी बात, कोई भी सबूत या इंफॉर्मेशन इससे पहले कि मीडिया के हाथ लगे,
पुलिस शुड हैव ऑल द डिटेल्स। डन सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। रमना एक सेकेंड। यस सर। इस केस की इन्वेस्टिगेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना। ओके सर। मेम साहब वल्लभ सर आए हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी। बैठी ना। सब कैसा चल रहा है अंकल? बेटी वो हमारी कंपनी की ओनरशिप अभी भी श्री के नाम पर ही है, इसीलिए हम कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। अपनी कंपनी की ओनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर होने वाले पेपर्स हैं ये, आप एक बार चेक करके देख लीजिए सब कुछ ठीक तो है ना। अंकल इस समय ये सब करना जरूरी है? जरूरी है बेटी, जरूरी है। जो एम्प्लॉयज हमारी कंपनी पर निर्भर है उन्हें सैलरी देनी है बेटी। हमारी प्रॉब्लम से दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना? हाँ बेटी। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, जिस दिन से उस पनौती के कदम इस घर में पड़े तब से सब कुछ बिगड़ने लगा। रोशनी मेम साहब उसके चक्कर में नहीं पड़ती तो ये घर शमशान नहीं बनता, उसका कभी भला नहीं। कहाँ साइन करना है अंकल बताइए। हाँ एक मिनट बेटी। भेज दो। हेलो, आई एम रमन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बैठिए। या थैंक यू। मिसेस स्मिता जी, हाई प्रोफाइल केस की वजह से हमारे डिपार्टमेंट ने मुझे इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है। आई नो आई एम ट्रबलिंग यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई हैव टू डू माई ड्यूटी। इट्स ओके, जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से ही आती हैं। दिस इज नथिंग, यू प्लीज डू योर ड्यूटी सर। आपको जो भी मुझसे पूछना है यू कैन कॉल मी एनी टाइम और यू कैन कम हियर। ओके थैंक यू, अभी चलता हूँ फिर। मना किया फिर भी अंदर घुसे चले आ रहे हो। रामकृष्णा। आया सर, बाद में बात करता हूँ। सर इसमें जो भी नंबर उनके 2 साल के कॉल रिकॉर्ड चाहिए मुझे। ओके सर। शाम तक। ठीक है सर। अर्जेंट है। ओके सर। कितने साल से फ्रेंड्स थे? सर हम 5 साल से फ्रेंड्स थे। मैडम, मैडम। हाँ। वो क्या हुआ? वो हॉस्पिटल से फोन आया था कि दादी जी भी। साक्षात महालक्ष्मी हो, खुश रहो बेटी।
क्या बात है? गुड न्यूज है क्या? हाँ माँ, गुड न्यूज है। गेस कीजिए। हमारे घर में महालक्ष्मी ही आएगी। हाँ मैम साहब, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, साहब और रोशनी मैम साहब को खोने के बाद मुझे जितना दुख हो रहा है ना, उतना ही दादी को भी खोकर हो रहा है। पूरी फैमिली कितनी खुश थी मैम साहब, लेकिन जिस दिन से वो कमीना अजय आप लोगों की जिंदगी में आया है, आपका पूरा घर उजड़ गया मैम साहब। इस बर्बादी की वजह वही है। अगर वो मुझे कहीं दिख गया तो मैं गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दूंगा। नाम क्या है? सुंदर सर। सुंदर? हाँ। किस एंगल से तू सुंदर है? मेरे माँ बाप ने रखा था नाम सर। हाँ? अरे नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैडम, सिंगापुर से पेनल्टी नोटिस आया है। सिंगापुर से? हाँ मैडम, हमने ऑर्डर के मुताबिक सही वक्त पे सप्लाई नहीं कर पाए, इसलिए हमें पेनल्टी नोटिस भेजा है। What penalty notice? What are you saying? ये ऑर्डर पूरा करने के लिए हमारे पास और 2 महीने थे ना? हाँ मैडम, हम भी ऐसे ही समझ रहे थे, लेकिन ओरिजिनल ऑर्डर को वेरीफाई करने के बाद पता चला सप्लाई डेट वाज लास्ट वीक। ये क्या कह रहे हैं आप? आप देखिए मैडम, ये ओरिजिनल ऑर्डर है। Send Vallabh sir inside. Okay ma'am. नमस्ते मैडम। What is this Vallabh sir? सप्लाई डेट खत्म हो चुकी है, इतने बड़े ऑर्डर को आपने ट्रैक ही नहीं किया, आखिर क्या चाहते हैं आप? नहीं 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 मैडम, ओरिजिनल ऑर्डर के मुताबिक हमारे पास 1 महीने का वक्त है। मैडम अगर पहले बता देते तो कुछ प्लान करके हम इस ऑर्डर को सप्लाई कर सकते थे। मार्केट में हमारी इमेज खराब हो गई है, ऊपर से सर पे 500 करोड़ का पेनल्टी भी आ गया है। नहीं मैडम जी, इसमें जरूर कोई गड़बड़ी हुई है। जब हमने ऑर्डर्स लिए थे तब इसका रेट कुछ और ही था मैडम। प्लीज वल्लभ सर, आप डिफेंड मत कीजिए, आप पर कंपनी ने भरोसा करके इस ऑर्डर को इस तरह से। देखिए प्लीज, मेरा विश्वास कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज अब बहस करके हमारी तकलीफ और मत बढ़ाइए आप। कल पेपर में क्या डालिए कि हमारी कंपनी को एक एफिशिएंट और ऑनेस्ट जनरल मैनेजर की जरूरत है। ओके मैडम। ओके मैडम। मैडम, फ्रॉडलैंड एक्ट के मुताबिक हम उनके ऊपर केस कर सकते हैं। नहीं, हमारी फैमिली के साथ जो 25 साल से थे उनके लिए इतनी सजा काफी है। हम ये पेनल्टी अवॉइड नहीं कर सकते क्या? नो मैडम, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, पेनल्टी पे करना ही ठीक होगा। ठीक है, जो भी है इसे सेटल कीजिए। हाँ, ओके मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर रमन्ना, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? इट्स डन सर। ओह वेरी गुड। श्रीकंठ जी की बेटी रोशनी जिम ट्रेनर अजय से प्यार करती थी, ये सच है? सर मैंने इस लड़के के बारे में पूछताछ की, ही कम्स आउट क्लीन। ओह ओके। घर में अपने पापा से अनबन होने की वजह से टेंशन में गाड़ी चलाते वक्त लॉरी एक्सीडेंट में मारी गई। इट्स अ वेरी सैड इवेंट। मैंने उस लॉरी ड्राइवर से भी पूछताछ की, इट डजंट हैव एनी क्रिमिनल बैकड्रॉप। और फिर मैंने सभी के कॉल डिटेल्स भी चेक किए। सो इन सभी एंगल से इन्वेस्टिगेट करने के बाद मुझे लगता है कि इट्स अ सीरीज ऑफ सैड इवेंट्स। इनफैक्ट इन सभी घटनाओं से शॉक होकर श्रीकंठ जी की मां जो कोमा में गई थी वो भी नहीं रही। ओके रमना सर।
ये हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से पब्लिक इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही होगा। हाँ सर। और बीच बीच में ये मीडिया वाले कुछ भी इमेजिन करके स्टूपिड से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। वी हैव टू हैंडल देम केयरफुली। यस सर, श्योर। बाय द वे, गुड जॉब रमन्ना। थैंक यू सर। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, जिस दिन से उस पनौती के कदम इस घर में पड़े सब बिगड़ गया। इस बर्बादी की वजह वही है। अगर वो मुझे कहीं दिख गया तो मैं गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दूंगा। हाय दीदी, कैसी हो? सॉरी, एक बहुत जरूरी मीटिंग थी इसलिए नहीं आ पाया। आप नाराज मत होना। ओके, मेरी एक हेल्प करोगे? हाँ श्योर, बताओ ना। मुझे अर्जेंटली एक गन चाहिए। गन? क्यों? जो कह रही हूँ वो करो, मुझे कल तक गन मिल जानी चाहिए, समझ गए? ओके दीदी। ठीक है। सलाम अलैकुम मैम साहब। माल ठीक है ना? एकदम बढ़िया है मैडम, आधी बुलेट ही काफी है, आदमी सीधा ऊपर जाएगा। बाकी आधे तेरे भेजे में डालूं? मैडम आपने मस्त जोक मारा। जोक मारने के लिए तू मेरा साला है क्या? चल फट। ठीक है मैडम, चलिए। Did you like it? Yeah. This is my first gift for you. Baby. Gun to badi achhi hai. Did you like it? Yeah. This is my first gift for you. यार उस मिनिस्टर की बेटी के चक्कर मत पड़। हाँ। उसका बाप बहुत खतरनाक है यार, ये ले। हाँ। Oh my God. Oh. Oh. I'm so sorry. यार हाय हाय, वांट अ स्मोक? यस
Baby, this is Ganesh. Hi, I'm Rani. I like your tattoo. How about body? I can have your number, baby? Sure. It's 9845. Shall we go for a long drive? Sure. हेलो रानी। रानी नहीं बेटा, राजा। ए, कौन है तू? कूल बेटा, कूल। ज़्यादा उड़ मत हाँ। देख, शाम के 5 बजे तक अगर मुझे 5 लाख रुपए नहीं मिले ना, तो तेरे पॉलिटिकल करियर की फुल पब्लिसिटी करूंगा मैं। तू जानता है कि मैं कौन हूँ हाँ? मेरे साथ होशियारी नहीं करना समझा? जानता हूँ, तभी तो मैंने ये सब किया है। देख, शाम के 5 बजे तक कैश अरेंज करवा ले, नहीं तो तेरा रोमांस जो है ना ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। बाद में जो कॉर्पोरेटर बनना चाहता है ना तू, मोबाइल ऑपरेटर भी नहीं बन पाएगा। मैं बस लॉन्ग ड्राइव पे गया था समझा, तभी तो मैं 5 लाख मांग रहा हूँ। अगर लॉन्ग ड्राइव से कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो जाता ना तो सीधा 20 लाख रुपए तुझे देने पड़ जाते हैं। पैसे तुझे कब और कहाँ देने हैं मैं ये तुझे बता दूंगा समझा। एक बात और, अगर तूने मुझसे जरा भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। hey, 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 hey! ओके नंदिनी, क्लब के पास मिलते हैं ठीक है। अरे कोरे, अरे गाड़ी ठोक दी किसी ने, अभी देखता हूं मैं। अरे मेरी गाड़ी मिली थी आपको ठोकने के लिए क्या? I'm so sorry, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई, बैलेंस मिस हो गया। गाड़ी देख कर चलानी चाहिए आपको ना। आपको जो भी नुकसान हुआ है उसका खर्चा मैं दे दूंगी। इट्स ओके। प्लीज मना मत कीजिए, अगर आप मना करेंगे तो मुझे जिंदगी भर पछतावा होगा। आप अपना नंबर बताइए। हाँ जरूर, लिखिए 99450। थैंक यू। क्या लड़की है यार। बाय। प्यार से बोलकर मुझे ही चूना लगा दिया। कॉर्पोरेटर और बिजनेसमैन की कबर तो खुद गई है, लेकिन इस डॉक्टर के नखरे कुछ ज्यादा ही है। बात करता हूं तो पुलिस की धमकी देने लग जाता है। बेबी, अपने पास कुछ पैसे तो हैं, वो खत्म होने तक थोड़ा चुप रहते हैं, हमारे लिए ही अच्छा होगा। तब तक क्या करेंगे? कोई नौकरी कर लेंगे। व्हाट? नौकरी? मैं? या? नो वे। व्हाई नॉट? वैसे आई एम इम्प्रेस्ड, पर एक बार हमारे एमडी से बात हो जाए उसके बाद हम फाइनल डिसीजन लेंगे। ओके सर। इफ सेलेक्टेड व्हेन कैन यू जॉइन? आई कैन जॉइन टुमारो सर। ओह गुड गुड, लेट अस नॉट डिले। एक काम कीजिए, कल ही आप हमारे एमडी के घर आ जाइए। मैं वहीं आपकी मुलाकात करा दूंगा, अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो आप कल से ही ज्वाइन कर सकती हैं। ओके सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। God, very nice. Good morning, sir. Good morning.
बैठिए। थैंक यू सर। स्मिता राइट? यस सर। वल्लभ ने मुझे आपके बारे में बताया था, पहले आप क्या करती थी? कंसल्टेंट का जॉब करती थी सर, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में। ओके, गुड गुड गुड। व्हाट काइंड ऑफ, एक्सक्यूज मी, हेलो? नो नॉट एट ऑल, आई एम फ्री नाउ। यस सर, एब्सोल्युटली। स्मिता, कांग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। थैंक यू सो मच। कल सुबह ही आप हमारे मैनेजर के साथ ऑफिस चले जाइए, वो आपको पूरे स्टाफ से मिलवा देंगे। ओके सर। सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं ये घर एक बार देख सकती हूँ? ये घर मुझे बहुत पसंद आया। ऑफ कोर्स, चलिए मैं आपको घर दिखाता हूँ। थैंक यू सर। कम सर, ये कौन है? ये है रोशनी, हमारे बॉस की इकलौती बेटी। ओह। इस कंपनी में इसका 30% का शेयर है। बेचारी, बचपन में ही इसने अपनी माँ को खो दिया। रोशनी हमारे बॉस को जान से भी प्यारी है, इसकी नजर में भी हमारे बॉस माँ बाप सब कुछ है। आइए, बॉस की माता जी से मिलवाता हूँ आपको। ठीक है सर। माँ जी, ये स्मिता जी हैं, हमारे श्री की नई पर्सनल सेक्रेटरी। नमस्ते माँ जी। महालक्ष्मी जैसी हो, खुश रहो बेटी। अरे अरे, रहने दो। दिखने में कितनी प्यारी है। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? अभी नहीं माँ जी। माँ जी, स्मिता जी ने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है, अगली बार आएंगी तो जो भी पूछना होगा आराम से पूछिएगा। अभी आप आराम कीजिए। स्मिता जी आइए। जी, चलती हूँ माँ जी। हाँ। माँ जी आपसे कुछ पूछ रही थी, उस बात का बुरा मत मानिएगा। क्या है कि उन्हें बॉस की बड़ी चिंता रहती है, वो उनकी दूसरी शादी करना चाहती हैं, इसीलिए ऐसा कह रही थी आपसे। कोई बात नहीं सर, मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ। ओह, मतलब आप भी माँ जी को सपोर्ट कर रही हैं? है? क्या बात है, एक ही दिन में आप भी इस फैमिली की मेंबर बन गई। क्या बात है, एक ही दिन में आप भी इस फैमिली की मेंबर बन गई। तुम्हारी शादी हुई है क्या? उन्हें बॉस की बड़ी चिंता रहती है, वो उनकी दूसरी शादी करना चाहती हैं। अगर शिकार करना है तो सीधे हाथी का शिकार करना चाहिए। सुपर जैकपॉट अजय, मैंने जो प्लान सोचा है ना, अगर हमने उसे फॉलो कर लिया तो एक साल में करोड़पति बन जाएंगे। What? पर हम करोड़पति तब बन पाएंगे जब वो श्रीकांत मेरा पति बनेगा। क्या तुम लोग शादी कर लोगे और मैं यहाँ भजन गाता फिरूं? शादी होने के बाद सिर्फ कुछ दिन रुकना है, बाद में बड़ी ही चालाकी से उस श्रीकांत को बैकुंठ पहुंचा दूंगी, बाद में सारा साम्राज्य मेरा। What an idea, मैडम जी। लेकिन इस काम को अंजाम देना इतना आसान नहीं है। हाँ। जबरदस्त ग्राउंड वर्क करना होगा। क्या करना होगा मुझे? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। So, let's start the party. Let's start the party. क्रॉस चेक किया मार्केट में? हाँ सर, मैंने क्रॉस चेक कर लिया, इट्स कम्प्लीटली फिजिबल। सर, टेंडर की डिटेल्स, आर यू ओके सर? टेंडर डिटेल्स क्या है? टेंडर डिटेल्स, कोटेशन डिटेल्स, सब इसी में है। ओके सर, आपकी दवाइयाँ आपके रूम के टेबल पर रखी हैं, याद से लीजिएगा। थैंक यू। ओके सर। अरे वाह, कितनी अच्छी लड़की है। हेलो अजय, मैं आज रात को मुंबई जा रही हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मेरे फर्स्ट पावरप्ले की शुरुआत वहीं से होगी। सुपर्ब, आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट इट। मैं तुम्हें अपडेट करती रहूंगी। ओके
I'm sorry, Smita. गलती हो गई. प्लीज मुझे माफ कर दो. स्मिता, मेरे दिल में आज एक नई उमंग जगी है. मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं. तुम सोचकर जवाब देना, मैं इंतजार करूंगा. बेबी, बाप की लगाम मेरे हाथों में है. बेटी की लगाम तुम अपने हाथ में लो. हाँ, वो कैसे? सी, रोशनी श्रीकांत की लाडली बेटी है. ब्यूटीफुल. मॉर्निंग 6 to 7 जिम जाती है, उसके बाद कॉलेज. मॉर्निंग में जिम जाती है, उसके बाद कॉलेज. तो मैं इसे मिलू कहाँ? जिम, दैट्स अ परफेक्ट प्लेस. What? जिम में मिलो? हाँ, तुम ऐसे जिम इंस्ट्रक्टर वहाँ ज्वाइन हो जाओ. वहाँ जिम इंस्ट्रक्टर बन जाओगे तो उसके साथ वक्त बिता पाओगे. लेकिन रोशनी को तुम्हें पहली ही मुलाकात में इम्प्रेस करना होगा. फर्स्ट मीट बेस्ट मीट होने पर ही हमारा काम हो पाएगा. बट फर्स्ट मीट में इम्प्रेस कैसे करूँ इसे? कैसे करूँ? फिलहाल उसकी कंडीशन ठीक है, खून देने की जरूरत नहीं. आप जाइए, मैं आपको बुलाती हूँ. ओ नेगेटिव ब्लड जल्दी अरेंज कीजिए. ब्लड दिया? ये बैंडेज कैसी? उससे मिलकर थैंक्स कहना चाहती हूँ. अभी जाकर मिलो उसे. जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी माँ की जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है. Shut up! That is not fit for you, Roshni. तुम्हें हार्डवुड जाना पसंद नहीं है या अजय को छोड़कर जाना पसंद नहीं है? I'm so sorry. मुझे अर्जेंटली एक गन चाहिए. बेबी, तुमने ऑफिशियली तो उस बुड्ढे से शादी कर ली है, लेकिन उसके पैसे हमारे हाथ में आ जाए उसके लिए पता नहीं कितना टाइम लगेगा. बेबी, उस श्रीकांत की जायदाद से 500 करोड़ ऑलरेडी हमारे अकाउंट में आ चुके हैं. What? 500 करोड़ अकाउंट में आ चुके हैं? कब और कैसे? परसों श्रीकांत ग्रुप ने ऑर्डर डिफॉल्ट किया और 5 करोड़ फाइन भरा सिंगापुर से. और पेनाल्टी नोटिस? पेनाल्टी पे करना ही सही होगा. जो भी है इसे सेटल कीजिए. पर पैसे हमारे अकाउंट में कैसे आए? वो सिंगापुर की कंपनी एक फेक कंपनी है और उसका एक्चुअल ओनर मेरा भाई है. भाई है? यस, श्रीकांत ग्रुप को ऑर्डर जो है इसी कंपनी ने दिया था. ऑर्डर के मुताबिक सप्लाई डेट 6 महीने बाद की थी, लेकिन मैंने किसी को भी बिना बताए चुपके से उसे चेंज कर दिया और ओरिजिनल फाइल में डाल दिया. मार्वेलस, बहुत बड़ी खिलाड़ी हो तुम. नेक्स्ट, सप्लाई डेट निकल गई. एज पर अग्रीमेंट डिफॉल्ट होने पर 500 करोड़ फाइन देना था, तो हमने एक लीगल नोटिस भी भेजा सिंगापुर की उस फेक कंपनी से. इनकी कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी तो फाइन भर दिया. सो अब हमारे फॉरेन अकाउंट में 500 करोड़ है और इसके लिए जिम्मेदार उस वल्लभ को ठहरा कर उसे अपने घर भेज दिया. वाओ. देखते रहो. अब मेरा सेकंड पावर प्ले स्टार्ट होगा.
That's it, हो गया? हाँ मैडम. Okay. मैडम आज 11:30 बजे वेंडर्स के साथ एक जरूरी मीटिंग है मैडम. नहीं, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है. आप मीटिंग अटेंड कर लीजिए, कोरेशन के बारे में बाद में बता दीजिए. ठीक है मैडम, आपको बता दूंगा. मैं आपसे शाम को आकर मिलूंगा. यस मोहन, हाउ आर यू? हाउ इज योर श्रीकांत ग्रुप? सर यहाँ सब गड़बड़ चल रहा है सर. मालिक के मरने के बाद यहाँ तो पूछने वाला ही कोई नहीं है सर. ओह नाइस. शांगो टेक्नोलॉजी का ऑर्डर सप्लाई ना होने की वजह से 500 करोड़ का फाइन भरना पड़ा है सर. वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर मी. अगर आप ऐसे वक्त पर ये कंपनी खरीदने आएंगे ना सर, तो आपको बहुत कम रेट पे मिल जाएगी सर. यस, बहुत अच्छी खबर दी है तुमने. वो कंपनी अब मेरी हो ही गई समझो. मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो बता दी. बदले में मुझे, डोंट वरी मोहन, तुम्हें जो मिलना चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा. थैंक यू सर, बाय. बेबी, अपना नेक्स्ट प्लान क्या है? इट्स रेडी बेबी. जल्द से जल्द इस कंपनी को बेचकर हम सिंगापुर सेटल हो जाएंगे. ओके. पर हमें ये भी बहुत होशियारी से करना होगा, किसी को हम पर शक नहीं होना चाहिए. डाउट? नो चांस. अब तो भगवान भी हम लोगों पे शक नहीं कर सकते. वैसे भी तुम फिक्र मत करो, तुमने श्रीकांत से शादी कर ली है. प्लान के मुताबिक हम उसे मारने वाले थे, लेकिन एक्सीडेंट में वो खुद ही मर गई. पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्लीन चिट मिल चुकी है. तो फिर अब डर किस बात का है? सारा काम होते ही हम सिंगापुर चले जाएंगे, राइट? या अजय, रुक जाओ. सुंदर, अब तू यार, अजय तुम दोनों ने मिलकर कितना खतरनाक प्लान बनाया यार. बेचारी रोशनी कितनी अच्छी लड़की थी, और तूने उसके साथ धोखा किया. तूने ऐसा क्यों किया यार? पैसे के लिए यार, पैसे के लिए. बस एक महीने में हम सिंगापुर जा रहे हैं, वहां हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. ऐसी बातें मत कर यार, चुपचाप हमारे साथ चल, मजे से रहेंगे. करोड़ों रुपए हमारे पास होंगे यार. अबे जा रहे, करोड़ों करोड़ों रुपए खाकर भी पेट में अनाज ही जाता है. ओह यार अजय, छोड़ यार, मेरी बात मान, सारे पैसे इसके मुंह पे मार दे. क्या कहा तूने? शूट कर दूंगी तुझे. एक मिनट रुको. देख मेरे भाई, आखिरी बार कह रहा हूँ, बिना कुछ सोचे समझे हमारे साथ चल यार, लाइफ मजे से जिएंगे यार हम लोग. ए, किसके पैसे तू मजे करेगा? वो पैसे हमें बचेगा क्या? हमारी मेहनत की कमाई का पैसे है क्या? मानता हूँ मेहनत से नहीं कमाया, लेकिन दिमाग से तो कमाया ना. तू है तुझ पर पैसे, तूने दिमाग से नहीं खून करके कमाया है. तू भी नहीं चाहिए और तेरा पैसा भी नहीं चाहिए. तू कहीं रहे, खुश रहे, खुश रहे. लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, तूने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, पाप किया है. ए, मुंह बंद कर अपना, गेट आउट. अजय, मेरी एक बात याद रखना, दूसरों को कमाया हुआ मेहनत का पैसा, चाहे तू हो या ये हो, एक भी रुपया छीन नहीं पाओगे. वो जिस किसी का भी मेहनत का पैसा होगा वो उन्हें ही मिलेगा. तुम लोग एक रुपया भी छीन नहीं पाओगे, याद रखना. सुंदर, हाय, आई एम रॉबिन गौड़ा. नमस्ते. नमस्ते. मेरे पापा को क्रिकेट बहुत पसंद है. ऑफ कोर्स, मुझे भी. इसलिए मेरे पापा ने उनके पसंदीदा प्लेयर रॉबिन सिंह के नाम पे मेरा भी नाम रख दिया, क्योंकि वो सिर्फ बैटिंग बॉलिंग नहीं, फील्डिंग में भी बहुत माहिर था. आप यहाँ किस लिए आए हैं? आपसे मुलाकात करने के लिए. आई मीन, श्रीकांत जी की फैमिली के साथ जो हुआ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. फिर भी एक औरत होते हुए इतने बड़े बिजनेस को मैनेज करना,
बहुत मुश्किल है। सो अगर आप हाँ कहें तो आपका बिजनेस मैं टेक ओवर करना चाहूंगा, अच्छा रेट दूंगा, जब चाहो पेमेंट मिल जाएगा। हमारी कंपनी की कीमत जानता हूँ 2000 करोड़, बट मार्केट में फिलहाल आपकी जो इमेज है उसका आधा रेट भी कोई नहीं देगा। अगर आप हाँ कहें तो मैं आपको 1500 करोड़ दे सकता हूँ, 50% व्हाइट 50% ब्लैक। आई नीड सम टाइम। श्योर, बट डोंट डिले, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे उतना ही मेरा ऑफर कम होता जाएगा। वेल, दिस इज माई कार्ड, कॉल मी वंस यू डिसाइड। उसका नाम रॉबिन गौड़ा है, बड़ी पार्टी है, 1500 करोड़ देने के लिए तैयार है। oh. और पेमेंट भी तुरंत कर देगा वो, 50% ब्लैक 50% व्हाइट। नो, 70% ब्लैक और 30% व्हाइट में लेते हैं। 70% ब्लैक मतलब ऑलमोस्ट 1000 करोड़ ब्लैक हुआ, बाकी का व्हाइट। 1000 करोड़ ब्लैक करेंसी हम सिंगापुर ले कैसे जाएंगे? यू डोंट वरी अबाउट इट, किरण एक हवाला एजेंट को जानता है, सेफ पार्टी है। लेकिन हम पूरा अमाउंट एक साथ नहीं ले जा पाएंगे, थोड़ा यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। मगर क्यों? You don't worry about it. मेरा प्लान कुछ अलग ही है। अच्छा। But you know what? I'm very happy. हमारा प्लान पूरी तरह से काम कर गया। I'm so happy. So happy. Superb. Superb plan, Mr. Smita Srikant and Ajay Bhardwaj. What a plan, यार! What a plan. इंडिया के बड़े बड़े क्रिमिनल्स के दिमाग में भी ऐसा प्लान नहीं आया होगा। ग्रेट प्लान एंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तब मुझे जरा भी शक होने नहीं दिया। गुड। लेकिन पुलिस का दिमाग है ये जो है ना, कहीं कुछ तो गड़बड़ है ऐसा बोल रहा था, इसीलिए मैं चोरी छुपे तुम लोगों पे नजर रखने लगा। और देखो अभी तुम लोग रंगे हाथों पकड़ गए। मैं तेरी कहानी इसी वक्त खत्म कर दूंगा, तेरी मौत के साथ साथ ये राज राज बनकर रह जाएगा। हाँ? अरे जब तुम्हारे जैसे क्रिमिनल्स का दिमाग इतना चलता है तो मैं तो पुलिस वाला हूँ, मेरा दिमाग कितना चलेगा। ये सिर्फ ग्लास नहीं है बेटा, कैमरा लगा हुआ है, और ये सब मेरी गर्लफ्रेंड बेगम है ना, वो सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रही है। अगर मेरा एक बाल भी बांका हुआ ना तो इसकी एक कॉपी सीधा कमिश्नर के पास चली जाएगी और दूसरी कॉपी प्रेस वालों के पास, उसके बाद तुम लोग फिनिश। चुपचाप सरेंडर हो जाओ, इसी में तुम दोनों की भलाई है, समझे? नहीं तो ड्यूटी पर तैनात पुलिस के ऊपर अटैक किया ऐसा बोलकर एक और केस थोप दूंगा। इंस्पेक्टर, हमें अरेस्ट करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? अब मतलब तुम्हें मिलेगा क्या? क्या मिलेगा मतलब? तुम लोगों को जेल की हवा खिलाऊंगा? तुम लोग बहुत बड़े क्रिमिनल्स हो, बेकार की बातें बंद करो। Come on, you are under arrest. इंस्पेक्टर, please don't do this. ऐसा करने से किसी को फायदा नहीं होगा। फायदा तो तुम लोगों का होगा, मेरा नहीं। इंस्पेक्टर, आप हमें गिरफ्तार करेंगे तो डिपार्टमेंट आपको क्या देगा? हा? एक एप्रिशिएशन, ज्यादा से ज्यादा एक प्रमोशन, लेकिन आपने हमें छोड़ दिया तो अब पैसे मिलते ही हम आपको 50 करोड़ दे देंगे। बहुत अच्छा, तुम लोगों को 1500 करोड़ मिल रहा है और मुझे सिर्फ 50 करोड़। सिर्फ 50 करोड़ दोगे मुझे? मतलब बिरयानी में पीस तुम लोगों का और राइस मेरा? ये सब ना मेरे साथ नहीं चलेगा। चल चल गाड़ी में बैठ, चल। प्लीज आप ज्यादा ले लीजिए, आप 100 करोड़ ले लीजिए अब, पर हमें छोड़ दीजिए। वैसे 1500 करोड़ जितनी बड़ी रकम आसानी से नहीं ले जा पाओगे, और मेरी मदद के बगैर इस शहर से बाहर भी नहीं जा पाओगे। मतलब तुम लोगों को मेरी मदद की बहुत जरूरत है, इसलिए हम तीनों में बराबर शेयर करेंगे। 500 करोड़ मेरे, 500 तेरे, 500 तेरे। 500 करोड़ इतने सारे? ए मिस्टर, ज्यादा स्मार्ट मत बन। हाँ ओके, ठीक है, डील मंजूर है। अब आपका शेयर 500 करोड़ आपको मिल जाएगा। हमारी एक कंडीशन है। क्या है? हम दोनों को दूसरे नाम से पासपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट वीक हमारे सिंगापुर जाने तक हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो इसका ख्याल आपको रखना है। इतना करने से आपको आपका शेयर मिल जाएगा। ओके, डन।
एक वीक में दोनों का पासपोर्ट मैं अरेंज करवा दूंगा, लेकिन तुम दोनों रोज मेरे टच में रहोगे। तुम दोनों में से किसी ने भी ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश भी की ना, तो तुम दोनों को अंदर डाल दूंगा। समझ गए ना? हाँ? पांच सौ करोड़ देने का मतलब क्या है? इट्स ओके अजय, हमारे पास और भी 1500 करोड़ हैं, हम आराम से सेटल हो जाएंगे। उसका शेयर देकर उसे साइड करना है, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। राइट। हेलो दीदी, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? क्या गुड न्यूज? हमारा 500 करोड़ कितना हुआ पता है? कितना? 520 करोड़। That's great. लेकिन इतना रिटर्न कैसे? यहाँ रहने वाले NRI सब मिलकर क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा फायदा होता है दीदी। वाओ। तुम्हारे और अजय को यहाँ पर आने तक हमारे पास कम से कम 600 करोड़ हो जाएंगे। सुपर, I'm so happy. वैसे कब आ रहे तुम दोनों? शायद एक महीना लग जाए, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सॉल्व करके आऊंगी। प्रॉब्लम? मतलब? इट्स अ स्मॉल इशू, मैं हैंडल कर लूंगी। तब तक मुझे कॉल मत करना, ओके? ओके दीदी। हाय, बैठिए। थैंक्स मिता जी। इट्स ओके, बताइए क्या लेंगे आप? अगर आप ऐसे पूछेंगी तो मेरा बहुत कुछ लेने का मन करेगा। फिलहाल तो मेरी कंपनी के अलावा मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगी। भगवान ने वैसे ही मुझसे सब छीन लिया है। Nothing is left. I'm really sorry, स्मिता जी। तो कहिए मैडम, how can we go forward? मुझे आपकी डील मंजूर है। सुपर। लेकिन मेरी दो कंडीशंस हैं। My first condition, the deal will be 4,500 crores. उसमें से 1,000 करोड़ मुझे कैश चाहिए, और वो भी 10 दिनों में। 1,500 करोड़ तो ठीक है, but इतना सारा कैश, वो भी ब्लैक में, आप कैसे मैनेज करेंगे? That's completely my headache. And my second condition, मेरी कंपनी को अक्वायर करने का अमाउंट ऑफिशियली सिर्फ 5 करोड़ होना चाहिए। That you can pay me in white. I'm okay with the deal. But इतना सारा कैश, at least I need 1 month to arrange. No, Mr. Gowda. मैं इतने दिन नहीं रुक सकती हूँ। See, if you can arrange the money, let's go ahead with this deal. Otherwise, just forget it. Hey, no. It's okay. मैं पैसे arrange कर लूँगा। एक और बात, हमारे बीच ये डील हुई किसी को पता नहीं चलना चाहिए, strictly between us. मेरी जुबान पत्थर की लकीर है, मुकरना नामुमकिन है। Fine then. तो फिर थर्सडे को एक जॉइंट प्रेस मीट करते हैं? श्योर, करते हैं। सब लोगों को मेरा प्रणाम। मेरे पति ने 28 सालों की मेहनत से जिस कंपनी को खड़ा किया, इस श्रीकांत ग्रुप ऑफ कंपनीज को बड़े ही दुख के साथ, लेकिन बिना किसी जोर जबरदस्ती के श्री रॉबिन गौड़ा को बेच रही हूं मैं। मैं जानती हूं कि इससे आप सबको बहुत दुख होगा, लेकिन मेरी पूरी फैमिली को खोने के बाद मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं जानती हूं मैं इस कंपनी को थोड़ी जल्दबाजी में बहुत ही कम दामों में बेच रही हूं, और उनकी इच्छा के मुताबिक इस कंपनी का सेल अमाउंट यानी पूरे 500 करोड़ इस कंपनी के सभी एम्प्लॉयज में बांट दिए जाए, ऐसा ऐलान करती हूँ। 1,000 करोड़ कैश में लेकर क्या नौटंकी कर रही है? नमस्कार दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि श्रीकांत ग्रुप ऑफ कंपनीज को बेचने के बाद जो अमाउंट मिला है वो श्रीकांत ग्रुप के चारों एम्प्लॉयज में बांटा जाने वाला है, ऐसा ऐलान श्रीमती स्मिता जी ने किया है। कैमरामैन सतीश के साथ मैं चंद्रशेखर।
आप किरण की बहन है क्या? हाँ। आप बैठिए बैठिए। अमाउंट कितना है? कुछ ज्यादा ही है। 500 खोखा? नहीं, 1,000 करोड़। सारे 2,000 के नोट में है। काम हो जाएगा, लेकिन माल कहाँ है? नीचे गाड़ी में है। कहाँ भेजना है? सिंगापुर। 10% होगा। इधर आ। माल चेक किया? हाँ किया सर। इसे अपने पास संभाल कर रखिए। आपके सिंगापुर पहुंचते ही मेरा आदमी आपको कॉल करेगा, वो इसे स्कैन करेगा। स्कैन सक्सेस होने के बाद आपको अपना 900 करोड़ डॉलर्स में मिल जाएगा। समझ गए आप? ओके सर। आप जा सकती हैं। थैंक यू। रॉबिन ने जो 1,000 करोड़ दिए थे वो मैंने अग्रवाल को दे दिए। कूल। सिंगापुर पहुंचने के बाद जब हम उन्हें ये दिखाएंगे तो हमें हमारे पैसे डॉलर्स के रूप में मिल जाएंगे। वाओ, सुपर। सो, मैं भी तुम लोगों के साथ सिंगापुर चलकर अपना शेयर वहीं ले लूंगा। लेकिन उससे पहले हमारा पासपोर्ट रेडी होना चाहिए। करेक्ट। 4 दिनों के अंदर हम चारों का पासपोर्ट हमारे हाथों में होगा। 4 लोग? चौथा कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड बेगम। नाइस। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन हमारे सिंगापुर जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट काम करना है। वो क्या है? हमारा सारा राज जानने वाला एक ऑनेस्ट जानवर हमसे लड़कर हमसे दूर चला गया है। उस जानवर का नाम है सुंदर। वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, हमें उसे ठिकाने लगाना होगा। सुंदर। ब्रेकिंग न्यूज़। शहर के बाहरी इलाके में आज सुबह हुए पुलिस एनकाउंटर में एक सुंदर नाम के नक्सलाइट की मौत हो गई है। हाल ही में हुए बहुत से आतंकी मामलों में इसका नाम भी जुड़ा हुआ था। इस पुलिस वाले का क्या करना है? इसे भी ऊपर भेज देंगे। Take care of this. It's very important. So, 4 दिनों के बाद हम दोबारा इसी जगह पे मिलेंगे। फिर यहाँ से our journey to Singapore begins. Yes, it's going to be a beautiful journey. हेलो, हूज दिस? मैं हूँ दीदी, किरण। किरण, इतने डरे हुए क्यों हो? और ये किसका नंबर है? सब कुछ बर्बाद हो गया दीदी, हम लूट चुके हैं। अब तुम कहना क्या चाहते हो, ठीक से बताओ ना मुझे। हमने जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था ना, वो फ्रॉड निकली कंपनी। वी लॉस्ट ऑल ओवर मनी दीदी। अच्छे रिटर्न दे रही ये सोचकर मैंने सारे पैसे लगा दिए, पर वो कंपनी है ही नहीं दीदी। किरण, इट्स ओके, हमारे पास और भी बहुत पैसे हैं। देखो, नेक्स्ट वीक हम दोनों सिंगापुर आ रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। नहीं दीदी, रिटर्न्स अच्छे आ रहे थे ये सोचकर मैंने कुछ इंडस्ट्रियल लिस्ट के भी पैसे उसमें लगवाए थे। अब वो सब मुझसे पैसे मांग रहे दीदी। दे आर ऑल बैक ऑफ मी दीदी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता दीदी, सॉरी। इट्स ओके किरण, देखो तुम टेंशन मत लो, हम आ ही रहे हैं बस। विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। वो बहुत खतरनाक है दीदी, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे दीदी। किरण, हमारे आने तक किसी भी तरह 1 हफ्ते तक उन्हें मैनेज कर लो। आई कांट। किरण, फॉरगिव मी दीदी, प्लीज। किरण, कुछ गलत मत करना। बाय दीदी, किरण, टेक केयर। किरण, मेरी बात सुनो, डोंट बी स्टूपिड। किरण, 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 योर कॉल हैज बीन फॉरवर्डेड। अच्छा, पिक द कॉल। अच्छा, योर कॉल हैज बीन फॉरवर्डेड टू ऑटोमेटिक वॉइस मैसेज सिस्टम। Oh!
मैंने आपका काम कर दिया। वो मर गई है ना भाई? वो ऊपर जा चुकी है। तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे, फिलहाल तू वहां से निकल। ठीक है भाई। पार्टनर, सब कुछ तेरे प्लान के मुताबिक ही हुआ है। तेरे प्लान के आगे मेरा प्लान पानी कम है यार। तू बोल रहा था कि लाइफ सेटल हो जाएगी, क्या काम है? श्रीकांत ग्रुप ऑफ कंपनीज तुम्हारे स्टेशन के लिमिट में आता है ना? हाँ हाँ। ये तो स्मिता का प्लान है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगे तो ओके। ये प्लान स्मिता को ही भारी पड़ जाएगा। सिंगापुर जाना तो पक्का है, लेकिन स्मिता की जगह तुम होगे। बेचारी स्मिता तो तुझसे शादी करके बच्चा पैदा करने की उम्मीद लगा के बैठी होगी। मैंने अपनी लाइफ में सेकंड हैंड बाइक तक नहीं ली, तो फिर ये सेकंड हैंड लड़की क्यों? दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है, और वो है कि इस शहर की जानी मानी बिजनेस टाइकून मिसेस स्मिता श्रीकांत जी ने फ्लाईओवर से कूदकर आत्महत्या कर ली है। उनके इस आत्महत्या की वजह है उनके पूरे परिवार के खो जाने का गम, जिससे वो उभर नहीं पाई थी, और उन्होंने ये फैसला लिया, ऐसा एसपी रमन्ना का कहना है। हेलो पार्टनर, फाइनली। रमन्ना, हमारी सिंगापुर की लाइफ एकदम मस्त होने वाली है। ब्यूटीफुल गर्ल्स। यस, बट आई कांट फ्लर्ट, आई हैव अ गर्लफ्रेंड, यू नो। तुमने सही कहा। बाय द वे, तुमने उससे मुझे कभी मिलवाया नहीं? ओह सॉरी, वो यहीं पे है। She will join in 2 minutes. वैसे हमें जैकपॉट लगा है। Let's celebrate, man. फॉरेन से मस्त विस्की मंगवाई है। और उससे भी अच्छी गुड न्यूज क्या है पता है? पासपोर्ट्स आर रेडी। सीरियसली? या जॉन सबर्सन, नाइस नेम। बाय द वे डूड, तुम्हारा नाम क्या है? हरीश, हरीश नायडू। नाइस मीटिंग मिस्टर नायडू। थैंक्स बॉस। ये स्मिता का है। त्रिवेणी उर्फ स्मिता। वैसे अब इसका कोई काम नहीं है। या वैसे वो बगैर पासपोर्ट के ऊपर जा चुकी है। तुमने अपनी बेगम का क्या नाम रखा है? फॉर ए चेंज हिंदू नाम ही रखा है। बेगम, ड्रिंक्स प्लीज। एक मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, एचपी बैंक से बोल रही हूँ। आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं? क्रेडिट कार्ड? हाँ सर। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड सर। लाइफ टाइम फ्री है सर। मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। बेगम जी, आपने तो हमें अपना चेहरा ही नहीं दिखाया। रोशनी, तुम जिंदा हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? ओह माय गॉड, सीरियसली सीरियसली आई कांट बिलीव दिस रवाना। मेरी रोशनी। सर,
लगा क्या? ओह, यही सोच रहे हो ना कि मरी हुई लड़की अचानक जिंदा कैसे हो गई? ओह या, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। समझ में नहीं आया क्या? उस दिन डैडी का चैलेंज सुनकर परेशानी में किसी कोने में बैठे होकर ये सोचकर मैं ठीक 12 बजे तुम्हें बर्थडे विश करने गई थी सरप्राइज देने के लिए। देखो, मैंने बहुत कोशिश की पर तुम्हारा पति मान ही नहीं रहा है। चैलेंज देके उसने प्लान की वॉट लगा दी है। अजय, डोंट वरी, हमारा प्लान जरूर काम करेगा। इतना आसान नहीं है, पहले रोशनी को खत्म करना होगा। रमना, मैंने अभी अभी स्मिता से बात की है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, तुम एक काम करो, कल मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। हुँ? तुम्हारे लिए सरप्राइज के बदले में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं बल्कि तुम्हारा डेथ डे सेलिब्रेट करूंगी, ये मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था। तुम्हारे और स्मिता दोनों के रूम में माइक्रोफोन फिक्स किया और तब मुझे पता चला कि अपने प्लान को पूरा करने के लिए तुम लोग रमन्ना को यूज कर रहे हो। तुझ पे भरोसा किया, गलती कर दी मैंने। एक्चुअली तेरा ऑफर अच्छा ही था, बट रोशनी के ऑफर के सामने तेरा ऑफर जो है ना, ठुस था। तूने मुझसे गद्दारी की? गद्दारी के बारे में तुम बात कर रहे हो? राक्षस के मुंह से राम का नाम आ रहा है। अपने जिगरी दोस्त रमन्ना का तूने गलत इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने उससे हेल्प ली और तेरे खोदे हुए गड्ढे में तुझे ही धकेल दिया। तुझे सबक सिखाने के लिए मैंने अपने डैडी को खो दिया, अपनी दादी को खो दिया। उनकी आत्मा की शांति के लिए तुझे तुझे तो मरना ही पड़ेगा। रोशनी, मुझे छोड़ दो रोशनी। क्यों इतनी जिद कर रहे हो अजय? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम अगर यहाँ रहोगे तो वहाँ स्मिता को कंपनी कौन देगा? वो बेचारी अकेली रह जाएगी ना। जल्दी से उसके पास जाओ। रोशनी, रेस्ट इन पीस। सुपर, थैंक यू सो मच रमन्ना। एक्चुअली ये सब मैं तुम्हारी मदद से ही कर पाई। यू माय लव, माय फ्यूचर। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। या, चीयर्स। यू नो रोशनी, तुम्हें पहली बार देखकर ही मैं क्लीन बोल्ड हो गया था। नहीं पहचाना क्या? तुम्हारे चेहरे पर भी डर नजर आ रहा है। तुम्हें देखकर भला मैं क्यों डरूंगा? शायद तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तुम और तुम्हारे जिगरी दोस्त अजय के बनाए हुए प्लान को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका मुझे क्या करना होगा? जो मैं कहूंगी वो करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। मुझे करना क्या है? तुम अजय जैसे क्रिमिनल पर भरोसा कर सकते हो, पर मुझ पर नहीं कर सकते। क्या करना है बताओ? मुझे मारना है। क्या? यानी मारने का नाटक करना है। मैं समझ गया। पहले तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, वहाँ अपना आदमी ही तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाएगा। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद मैं सब देख लूंगा। अमेजिंग। इन्हें मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहो। व्हाट? थैंक गॉड,
कहीं तुम मना कर दोगे ये सोचकर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। आखिर मानता क्यों नहीं? तुम्हारा ऑफर इतना भारी जो था। डार्लिंग, इसे तो मार दिया, फिर ये ग्लव्स किस लिए? उसे उतार फेंको और ड्रिंक्स को एंजॉय करो यार। ग्लव्स उतार दूंगी तो फिंगरप्रिंट्स आएंगे ना? फिंगरप्रिंट्स? मैं कुछ समझा नहीं रोशनी। तुम्हारे विस्की के ग्लास में पॉइजन मिलाया हुआ है। पॉइजन? चुभे हुए कांटे को निकालने के लिए अगर हम दूसरे कांटों का सहारा लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कांटा अच्छा है। वो कभी भी चुभ सकता है। इसीलिए उसे खत्म करना तो जरूरी है ना? ए, मैंने तेरी हेल्प की और तूने मेरे साथ हेल्प? No, Mr. Ramana. It's a just a business deal. अजय का ऑफर पसंद आया तो उसके पास चले गए, मेरा ऑफर पसंद आया तो मेरे पास आ गए। अपने जिगरी दोस्त को डबल क्रॉस किया, इतना कमीना है तू। मैं तेरे साथ वफादारी करूंगी ये कैसे सोच लिया तूने? So sad. तुझे खून की उल्टियां कर कर के तड़प तड़प के मरते हुए देखूंगी तो मेरे दिल में जो आग लगी हुई है वो तभी शांत हो पाएगी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं रमाना जी। नहीं नहीं नहीं। Excuse me, can I see your passport? Thank you, ma'am. Happy journey, Miss Nakshatra. Ashwin, अरे बेटा अंदर आ जाओ। क्या हुआ बेटा? इतनी रात को तुम यहाँ? अंकल, अरे तुम रो क्यों रही हो? मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा? भाभी कहीं के इस हद तक गिर गए। चलो बेटा, श्रीकांत जी को ये बातें बताते हैं। अगर ये बात डैड को पता चली ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। डैडी को नहीं बताना है? फिर तुम क्या करना चाहती है बेटी? अंकल, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो डैडी को पता चले बिना उस स्मिता को घर से बाहर भगा दूंगी मैं। जो हमारे घर को बर्बाद करने चले हैं उन्हें सबक तो सिखाना ही होगा। जो मेरे जिगरी दोस्त के घर संसार को बर्बाद करने की सोच रहे हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, उन्हें सबक सिखा कर रहूंगा। मेरे दिमाग में एक मास्टर प्लान है, लेकिन थोड़ा रिस्की लग रहा है बेटी। चाहे कितना भी रिस्की क्यों ना हो, I'm ready to do it. उन्हें बर्बाद करने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें मरना होगा। मरने का मतलब मरने का नाटक करना होगा। अजय को मात देने के लिए रमन्ना को अपने साथ मिलाना होगा, लेकिन वो हमारी बात मानेगा या नहीं ये कह नहीं सकते हम। मैं उससे मनाऊंगी।
बेटा, जिस सिंगापुर की कंपनी ने हमें ऑर्डर दिया था उसका मैंने पता लगा लिया है। इट इज अ फेक कंपनी। इस फेक कंपनी का ऑनर कौन है तुम्हें पता है? स्मिता का भाई किरण। व्हाट? फेक ऑर्डर क्रिएट करके पेनल्टी के नाम पे हमसे 500 करोड़ उन्होंने वसूल किए हैं। हम उन्हें इस बात का जवाब जरूर देंगे। जरूर देंगे। सिंगापुर में अपने फ्रेंड के नाम से मैं भी एक फेक कंपनी क्रिएट करूंगा। हमारा ऑयल का बिजनेस है, 2-4 महीने में हमारा इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए हम उन्हें उकसाएंगे। फिर उसे ही नहीं, उसके फ्रेंड को भी इन्वेस्ट करने पर मजबूर करेंगे। उनका तो वो हाल करेंगे कि वो आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाए। मौत के लिए भी तड़पेंगे वो। सिर्फ रोएगा नहीं बेटी, उसे आत्महत्या करना होगा और वो करेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई डैडी, मुझे माफ कर दीजिए डैडी। मेरी वजह से आपको अपनी जान गंवानी पड़ी डैडी। बेटा, ऐसे वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए डैडी। मैं आपकी मिट्टी की कसम खाती हूँ, जिसकी वजह से आपकी जान गई, मैं उन सबको इस मिट्टी में मिलाकर रहूंगी। मैं कसम खाती हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अजय, मेरी एक बात याद रखना, दूसरों को कमाया हुआ मेहनत का पैसा, चाहे तू हो या ये हो, एक भी रुपया छीन नहीं पाओगे, याद रखना। ना, 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 ना।